सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक। प्रदेश सरकार ने जैसे ही नौकरियों की भर्ती की घोषणा की है, वैसे ही बच्चे उसके आवेदन के लिए लंबी लंबी कतारों में लग गए हैं। नई भर्ती के साथ साथ नए नियम भी लागू किए गए, जिसके चलते 5 अंक उसको मिलेंगे जिसके घर में कोई सरकारी नौकरी पर नहीं है। 5 अंक स्वर्ण जाति के आरक्षण के अंतर्गत दिए जाएंगे और 5 अंक हरियाणा डोमिसाइल के दिए जाएंगे, जिसको मिलाकर कुल 15 नंबर बनते हैं, जिसके लिए बच्चों को एफिडेविट बनवा तहसील अधिकारी से अपने दस्तावेजों की जांच करवानी होगी। और ये प्रणाली इस बार की नई भर्ती में ही लागू की गई है, लेकिन घरौंडा तहसील में युवा इसको लेकर बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। साहिल राणा रोहित ने बताया कि हम पिछले 2 दिन से लगातार तहसील में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ दस्तावेजों को जांचने के लिए एक ही अधिकारी को बैठा रखा है, लेकिन रोजाना सैकड़ों हजारों की तादाद में युवा आवेदन के लिए आ रहे हैं। इसके चलते बहुत कम लोगों के दस्तावेजों की जांच हो पाती है और अगले दिन फिर सुबह से उन्हें कतारों में लगना पड़ता है और सभी भूखे प्यासे तहसील में सुबह आते हैं और घर जाते तक शाम हो जाती है, लेकिन फिर भी उनका नंबर नहीं लग पाता है, जिससे कि वो सरकार की इस प्रणाली से बहुत परेशान और चाहते हैं कि इस प्रणाली में बदलाव किया जाए। जाकत भी बहुत आ रहे, करीब कल भी 400-500 जाकत आ रहे थे, कल सिक्योरिटी भी आई, कल यहाँ हमारे आज भी भीड़ हो रही है। तो ये कागज किस किस काम आना है? ये पुलिस के फार्म भरे जा रहे भाई, उसमें 5 नंबर का फायदा होगा बंदा। मैं सरकार में 5 नंबर के लिए तैयार करवा रहा हूँ। कहाँ है अभी आप? मैं करौंडा तहसील में। क्या व्यवस्था है यहाँ पे? यहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ है, कोई काम ढंग से नहीं। कई दिन से आए हो आप? कल भी आज रात भी आया। कोई व्यवस्था नहीं है? कोई किसी अधिकारी से मिले? ये अभी इस पर नंबर दे रखे, अपना एफिडेविट साइन करवाने के लिए नंबर नहीं आ रहा। सुबह क्या रहे, क्या क्या दिखते हैं आपको? बारे में घरौंडा तहसीलदार ने बताया कि सरकार की नई प्रणाली और नई भर्ती निकल गई है और इस प्रणाली में कोई परेशानी नहीं आ रही है और लगातार अधिकारी बच्चों की सहायता में लगे हुए हैं। जो ये सरकार ने वैकेंसी निकाली है, ग्राम सचिव की, पटवारी की, कैनाल पटवारी और पुलिस विभाग में कांस्टेबल वगैरह के, उसके लिए ये बच्चे एफिडेविट टेस्ट करवाने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। नायब तहसीलदार मैडम और मैं खुद दोनों जो हैं कंटिन्यू जो है इनको अटेस्ट कर रहे हैं। ये पब्लिक एकदम अचानक आ गई है यहाँ बच्चे जो है एफिडेविट अटेस्ट कराने के लिए, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन हमारे स्तर पे जो है इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है और जो है रेगुलर जो है। सत्य खबर के लिए घरौंडा से विवेक राणा की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।